तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। किंग्सवे हॉस्पिटल और ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच की ओर से रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। इसके अंतर्गत शहर के लोगों को सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के विषय में जागरूक किया जा रहा है। बुधवार यानी कि कल 22 सितंबर को आरबीआई चौक से इसका शुभारंभ भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी ट्रैफिक सारंग अवार्ड, एसपी ट्रैफिक अजय कुमार मालवीय, किंग्सवे हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर आशीष चंद्र, सीएफओ नीलेश मुदड़ा, बजाज सभी सामी मार्केटिंग रोशन फुलबांदे व सीनियर मैनेजर जितेंद्र लोधे के साथ बिजनेस डेवलपमेंट और ब्रांडिंग टीम के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया गया, साथ ही उनसे नियमों के पालन की अपील भी की गई। इस दौरान हेलमेट पहने दो पहिया चालकों को गुलाब देकर सत्कार भी किया गया। जिन दो पहिया चालकों ने हेलमेट नहीं पहना उन्हें इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही किंग्सवे हॉस्पिटल की ओर से उन्हें हेलमेट भी प्रदान किए गए। रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत 23 सितंबर को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैरायटी चौक और लॉ कॉलेज पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। किंग्सवे हॉस्पिटल और ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच की ओर से अनूठी पहल की जा रही है। यमराज की वेशभूषा में लोगों को रोक कर उन्हें यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा है। यमराज हेलमेट ना पहने लोगों को रोक कर एक चिट दे रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरा अगला टारगेट आप है। इसके साथ हेलमेट पहने लोगों को वे गुलाब देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह मुहिम प्रतिदिन शहर के विभिन्न चौराहों पर आयोजित की जाएंगी। सर, एक स्पेशल ड्राइव है जो लोगों पर मीरा भाईंदर में वाहतूक शाखा की तरफ से चालान काटे गए उनके वाहनों पर, तो वो भर नहीं पाए और लोगों ने कुछ जानबूझकर भी वो सरकारी चालान है उसको अनदेखा कर रहे हैं और ट्रैफिक के रूल्स वायलेट करते हुए अपने को दिखते, ताकि उनको अब तक वो फाइन पेड करने को बांध मजबूर नहीं किया गया है। तो अभी माननीय सेशन कोर्ट थाने जो है उनके ऑर्डर से वाहतूक विभाग ने जो जो लोगों के फाइन पेंडिंग है तो उनको एक उनके फ़ोन नंबर पर एक नोटिस भेजा गया है एक एसएमएस के ज़रिए। वो उस पर क्लिक करके लिंक ओपन करते तो उनको कोर्ट का नोटिस दिखाई देगा, जिसमें उनको 25 सितंबर तक उनका वाहन पे जो भी फाइन चलन से वो भरने के लिए वाहतूक विभाग के पास भरने के लिए आदेश किया गया है माननीय कोर्ट की तरफ से। इसमें भी जो लोगों का नंबर अपडेट नहीं है, उनको मैसेज ही नहीं जा पाता है, उनको असुविधा ना हो तथा उनके ऊपर कोर्ट में खटला दाखिल ना करना पड़े, इसलिए ये स्पेशल ड्राइव लगा है ताकि रोककर हम देख सके मशीन में विचलन में कि वो गाड़ी के ऊपर कितने चलांस पेंडिंग है, मतलब कितने चलांस मारे गए पर उसने पैसा पेड नहीं किया है। ऐसे चलान के रिकवरी के लिए ये स्पेशल ड्राइव लगाया गया है। साथ ही साथ में इसने मॉडिफाइड साइलेंसर के और विदाउट हेलमेट के केसेस भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े और लोगों की सुरक्षा हो सके। प्रशासन द्वारा भले ही कोरोना के तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन डॉक्टर की माने तो अब वायरल कमजोर पड़ने लगा है। इस हालत में अप्रैल मई के जैसे हालत नहीं होंगे। अधिकाधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की वजह से भी प्रभाव कम हुआ है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले भले ही संक्रमित हो जाए, लेकिन समय पर जांच और उपचार मिल जाए तो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती होने जैसी नौबत नहीं आएंगी। इस बीच मंगलवार की रिपोर्ट में जिले में 10 लोगों में संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा अगस्त में तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन वायरस ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा रहा है। इसके बाद सितंबर में गणपति उत्साह के मद्देनजर लग रहा था कि लोगों का एक नया दूसरी जगहों पर आना जाना होने से प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। अब सितंबर भी सप्ताही की ओर है, लेकिन जिले में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। डॉक्टर की माने तो अब अप्रैल मई जैसी स्थिति की नौबत नहीं आएगी। इसकी मुख्य वजह आधिकारिक लोगों का टीकाकरण बताया जा रहा है। टीकाकरण के बाद भी यदि कोई संक्रमित होता है तो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करने जैसी नौबत नहीं आएगी। इसके बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी अब भी आवश्यक है। हाल ही में पालक मंत्री नितिन राउत ने तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सीरो सर्वे कराने की बात कही थी, लेकिन मेडिकल में अब तक किट की उपलब्धता नहीं हो सकी है। जिले में सबसे पहले जून 2020 में पहला सीरो सर्वे कराया गया था। मेडिकल की टीम ने शहर व ग्रामीण भाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों को सर्वेक्षण के कार्य का प्रशिक्षण दिया है। तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर जिले में 31 अगस्त से फिर से सीरो सर्वे किया जाना था। इसमें
6,100 लोगों को उन्हें लेने हैं। ग्रामीण की 13 तहसीलों में से प्रत्येक मुख्यालय व प्रत्येक तहसील में 2 गांव से कुल 3,000 नमूने लिए जाने हैं। इसके लिए 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 60 और 60 से अधिक उम्र के समूह तैयार किए गए हैं। किट के लिए 9.5 लाख की निधि भी दे दी गई है, लेकिन किट उपलब्ध नहीं हो पाई है।